हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि से। तो आज हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स का शो जिसका नाम है किंगडम। इसकी सीजन वन और सीजन टू दोनों की बात करूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है स्मार्टी बा, उन्होंने कहा था कि भाई किंगडम का रिव्यू करो। तो फाइनली मैंने टाइम निकाल के दोनों ही सीजन को देख चुका। दोनों सीजन में आपको तकरीबन 6-6 यानी कि 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेकर 52 मिनट के बीच में। खैर कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है किंगडम से, यानी कोरिया के किंगडम से, जहां के जो प्रिंस है वो प्रिंस जिंदा है या मर गया वहां की प्रजा को भी पता नहीं। इवन उस प्रिंस से मिलने की इजाजत भी बहुत कम लोगों को होती है। उसके सगे बेटे यानी प्रिंस के जो सगा बेटा था उसको भी उसके बाप से मिलने की इजाजत नहीं होती। खैर उसके बाद वो जो क्राउन प्रिंस होता है वो एक ऐसी जर्नी पे निकल जाता है जिस जर्नी में उसको पता करना है कि उसके फादर के साथ आखिर हुआ क्या और इसी जर्नी में किस तरीके से उस पर ज़ॉम्बी का अटैक होता है, उसके अलावा क्या कुछ अलग खतरों का सामना वो करता है। बेसिकली यही इस सीरीज की कहानी है। मैं आपको बता दूं ये सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग समझ लेना बहुत बड़ी चीज मिस करो। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सीरीज का जो स्टार्टिंग का पहला एपिसोड है वो पहला एपिसोड 52 मिनट का है और इतना बोरिंग एपिसोड है मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब पहला एपिसोड खत्म होता है तो उसके एंड में जो सीन बताता है जहां पे ज़ॉम्बी का हमला शुरू होता है उसके बाद से पूरी सीजन वन या सीजन टू बहुत शानदार, बहुत कुछ अलग हटके चीजें देखने मिलती है। और मैं आपको बता दूं ये दौर है एंशियंट दौर, तो एंशियंट दौर में जो ज़ॉम्बी की जो बीमारी थी वो एक नई बीमारी थी, तो वहां के लोगों को इतना पता नहीं था और उन लोगों के पास इनसे लड़ने के लिए ज्यादा कुछ हथियार भी नहीं थे। एंशियंट टाइम में तलवार थी या तो फिर एरोस थे या तो फिर छोटे छोटे कैनन थे या तो फिर एक सड़ी सी रिवॉल्वर थी। तभी सब वेपन से किस तरीके से ज़ॉम्बी से लड़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही बड़े बजट का शो है, इसलिए आपको काफी सीन्स बहुत ही डिटेलिंग में और बहुत से सीन्स ऐसे इस सीरीज में कि मैं खुद डर गया। मैं इतनी सारी फिल्में इतनी सारी सीरीज देखता तो सोचो मैं अगर मेरे लिए एक जबरदस्त शो था, सोचो आप लोगों के लिए शो कितना बड़ा फाड़ू शो होने वाला। और अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं हिंदी देखता हूं या मैं साउथ की देखता हूं, मैं आपको बता दूं कि चीजों से बाहर निकलो, कुछ अच्छा सिनेमा देखने की कोशिश करो। और जो आज हम लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन के थ्रू अगर सब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी फिल्में अगर देख पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। और किंगडम सीरीज को मिस मत करो। अगर आप ज़ॉम्बी से रिलेटेड मूवीज और सीरीज देखना पसंद करते हो एक बेहतरीन कहानी, तो यार ये सीरीज को जरूर देखना क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बांधी रखती है। गूज़बम्प्स गारंटी और डर तो ऐसा लगेगा। और कुछ ऐसे सीन्स है, ऐसे खतरनाक वायलेंस के सीन है कि मतलब आप खाना खाते टाइम पे देख भी नहीं सकते। मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ। और बच्चों के सामने और कुछ उन फैमिली मेंबर्स के सामने मत देखना कि जो इस तरह की चीजें देखना पसंद नहीं करते। अदरवाइज अगर आप अकेले बैठ के देखना है तो कुछ अलग हटके ज़ॉम्बी पे बना का शो देखना है तो आप जरूर देखना। और वॉकिंग डेड इसके सामने तो पानी कम चाय लगता है अगर आप ये शो को देखोगे तो। सही में बता रहा हूँ आपको बहुत शो पसंद आएगा, मुझे शो बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही सीजन में आपको इतने एपिसोड देखने को नहीं मिले जो मतलब आपको बोर नहीं करेगा। डेफिनेटली आप 12 घंटे कहीं से भी निकाल सकते हो और इसको देख सकते हैं। पूरे दिन में आप सीजन वन और सीजन टू आराम से खत्म कर दोगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो के लिए। दुआ में रखता हूं। मैं हूं राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के लिए।